बच्चे अक्सर पेट में दर्द बताते हैं और ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे जिनको कि पेन होता है उनकी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल होती है, लेकिन वो लगातार बार बार पेन बताते रहते हैं, जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में फंक्शनल एब्डोमिनल पेन बताते हैं। बच्चों के अंदर अगर इस तरह का पेन होता है तो हमें सबसे पहले उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को असेस करना बहुत आवश्यक है। कई बार वो इमोशनल गेन्स लेने के लिए बार बार जो है माँ बाप को दर्द बताते हैं। कुछ बच्चों को स्कूल फोबियाज होते हैं, स्कूल जाते वक्त उनके पेट में दर्द होता है। कुछ बच्चों को खाना खाने के लिए के वक्त दर्द होता है। तो हमारे को ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का खास ध्यान रखना है और एक डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी है कि कहीं बच्चों के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है जो कि पेट में दर्द कर रहा है, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन या और कोई चीज़।